अखिलेश यादव ने तोड़ दिया बाबा का ताला, मचा हंगामा। आखिर क्यों अखिलेश यादव कूद गए 8 फीट ऊंची दीवार। सुरक्षा कर्मियों के छूटे पसीने, टेंशन में भाजपा। अखिलेश यादव ने फूंक दिया संपूर्ण क्रांति का बिगुल। अखिलेश यादव के द्वारा गेट फांद कर कैंपस में घुसने और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल है। हुआ यह कि अखिलेश यादव सुबह करीब 11:30 बजे लोक जागरण रथ पर सवार होकर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। उनके साथ ही बड़ी तादाद में समर्थक भी वहां पहुंच गए। JPNIC के गेट पर ताला पड़ा था, साथ ही टीन की चादरें से बैरिकेडिंग की गई थी। कुछ समर्थकों ने गेट को हिलाकर इसे खोलने की कोशिश भी की। अखिलेश रथ से नीचे उतरे और बंद गेट पर चढ़कर अंदर जाने लगे। उनके साथ ही कुछ समर्थक भी कूद कर गेट के अंदर चले गए। हालांकि अखिलेश के अंदर जाने के बाद पुलिस वालों ने तमाम सपाइयों को बाहर ही रोक लिया। JPNIC में अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हर वर्ष हम यहाँ माल्यार्पण के लिए आते हैं। जब लोकतंत्र में लोक नायक के माल्यार्पण के लिए बाधाएं खड़ी की जाएगी तो लोकतंत्र किस काम का? भाजपा सपा का रास्ता नहीं रोक सकती। पता नहीं सरकार गेट में ताला डालकर क्या बताना चाहती है। सच यह है कि भाजपा JP आंदोलन की स्मृति दोहराने से डर रही है। उन्होंने कहा कि यह वही JP है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पूर्व CM ने आगे कहा कि BJP लोकनायक जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है, क्योंकि BJP के राज में तो भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज़्यादा है। अब क्या माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश नारायण की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर BJP को यही मंजूर है तो यही सही। वैसे पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। जनता की तमाम शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है।